नमस्कार, जायका विद संगे में आपका स्वागत है। आज बन रहा है मक्के के ढोकले, जो बहुत ही फेमस डिश है राजस्थान की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबको मिलते रहें। तो आइए स्वादिष्ट और झटपट बनने वाले मक्के के ढोकले बनाना शुरू करें। मक्के का ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जितना मक्के का आटा ले लिया है। उसमें हम एक टेबलस्पून जीरा डाल देंगे, आधा टेबलस्पून अजवाइन, थोड़ा सा मसल कर हम डाल देते हैं, आधी टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हम हरी मिर्ची भी डालने वाले हैं इसलिए उस अनुसार मैंने डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक कप जितना मेथी से अच्छे से धोकर डाल दिया है। यहाँ पे आधे कप जितने मटर हैं उसे दरदरा पीस कर ले लिया है। थोड़ी सी धनिया डाल देंगे इसमें, आधा कप जितना दही, एक टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, एक टेबलस्पून तेल, स्वादानुसार नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप अपने मन चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें आप मूली को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, मूली, गाजर, दूधी, पालक के पत्ते यूज़ कर सकते हैं इसमें। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो इसमें आप डाल सकते हैं। और एक इंग्रेडिएंट इसमें डालना बाकी रह गया है, वो है अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, वो हम 2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे। अब इसमें हम पानी मिलाते हुए आटा लगा लेंगे, हमें ये चपाती जैसा आटा लगाना है। आटा तैयार है, हम इस पर हल्का सा पानी छिड़क देंगे और इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद आटे को फिर से मसल लें और हमें अब इसको इस तरह के शेप्स देने हैं। हमें उसमें से लुई निकाल ले, पहले तो हथेलियों पर तेल लगा ले, जो साइज़ के आप बनाना चाहते हो उस साइज़ की लुई ले ले, उसे हल्का सा फ्लैट कर दे, हल्का सा दबा ले और फिर इस तरह हथेली पर इसे घुमा ले। और अब इसमें हम एक होल डाल देंगे, दोनों तरफ से ये आर पार हो जाना चाहिए, ये देखिए। बस इसी प्रकार हमें ये ढोकले बनाकर तैयार कर देना है। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है राजस्थान का। और ये जो स्टीमर की जो थाली है उसे भी मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद ही हम ढोकले उस पर रखेंगे। स्टीमर में पानी मैंने डाल दिया है और पानी गर्म भी हो गया है। अब ये स्टीमर का जो प्लेट है वो हम इसमें प्लेस कर देंगे, इसे ढक कर 15 मिनट के लिए हम कुक कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। हम इसमें एक चाकू डालकर देख लेंगे, इसमें पोक कर देंगे इसे, और अगर बाहर एकदम साफ निकल रहा है तो ये पक गया है, और अगर चिपक कर आ रहा है तो इसे और पकाना पड़ेगा। तो हमारे तो तैयार हैं, हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक तड़का लगा लेंगे। ढोकले को हमने अच्छे से स्टीम दे दिया है, अब इस पर हम तड़का दे देते हैं। तो तड़का मैंने यहाँ तैयार कर लिया है, तेल में राई, जीरा, तल और कुछ कड़ी पत्ते, थोड़ी सी
लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर इसका तड़का तैयार कर दिया है, वो हम इस पर डाल देंगे। ट्रेडिशनली ये राजस्थान में इस पर घी डाला जाता है, कुछ लोग तड़का देकर भी खाते हैं। तो उसे हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और इसके साथ मैंने एक चटनी बनाई है, वो सर्व कर देंगे। हरी मिर्ची के साथ कड़ी पत्ता, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक, शेंगदाना, शेंगदाना तेल, ये सब मिलाकर मिक्स कर लें, पीस लें इसे, और ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ ये ढोकले बहुत ही बढ़िया लगते हैं और ये आप दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।